खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं आपके सामने दूसरे तीमुथियस के पहले अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम वचन को पढ़ते हैं और वचन में लिखे हुए शब्दों को लेकर के हम किसी बात पे बहस करने लगते हैं, या हम किसी प्रचार को सुनते हैं और उस प्रचार में कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती, हम उस पर बहस करने लगते हैं, उस पर तर्क वितर्क करने लगते हैं कि यह ऐसा नहीं बल्कि ऐसा कहा जाना चाहिए था, यह यूँ नहीं लिखा होना चाहिए था, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन वचन यहाँ पर हमसे साफ कहता है, पौलुस जो कि परमेश्वर के महान भक्त थे, वो कहते हैं शब्दों पर तर्क वितर्क ना कर। इससे क्या होता है, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। विश्वास में आदमी की दृढ़ता बढ़ने के बजाय और ज़्यादा क्षीण होने लगती है, उसका विश्वास डोलने लगता है। शब्दों पर तर्क वितर्क करना, बहस करना हमारी इंसानी फितरत को जाहिर करता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी से बहस करें और हम जीत जाएं, और हम जीतने के लिए बहस करते रहते हैं, उसमें तर्क भी करते हैं, वितर्क भी करते हैं, और एक शब्द जो यहाँ नहीं लिखा है, हम कुतर्क भी करते हैं। हम बहुत सी ऐसी बातें भी कहते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वचन हमें इसके लिए बिल्कुल साफ मना करता है कि शब्दों पर तर्क वितर्क न करें। जैसा पवित्र वचन में लिखा है उसको वैसे ही ग्रहण करें। बहुत सी बातें लोगों के ज़रिए से मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि वचन में ऐसा नहीं लिखा है इसलिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। वचन में बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो जो पुस्तकें तैयार होती वो सारे संसार में भी न समाती। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हमें अगुए दिए हैं, धार्मिक अगुए, जिनसे हम परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम किसी भी बात पर तर्क वितर्क न करें, बल्कि परमेश्वर का नाम लेकर के इस वचन को पढ़ें, इस पर मनन करें और परमेश्वर से आगाही मांगें कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। तर्क वितर्क से हमें कोई लाभ नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई से ही हमें लाभ मिलेगा। जय मसीह की।